ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। नीलोखेड़ी विधानसभा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक परिवार की खुशियां उजड़ गई हैं। दरअसल हिमाचल से आया हुआ परिवार नीलोखेड़ी हीरदा कॉलोनी में रहता है, जहां उस घर के बेटे की आज हत्या कर दी गई। घर से अपने काम के लिए निकला बेटा जब रात को वापस नहीं आया तो सबने खोजा और फिर पीछे की तरफ साइड एक रूम की खिड़की पर उसका शव लटका मिला। अब परिवार का शक है कि उसका दोस्त उसको लेकर गया था और उसी ने उसकी हत्या की है। देखिए हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा की ये रिपोर्ट। दूंगा 1000 रुपए, मैं तो आज ही हूँ मेरे पास। वो 5:30 बजे का गया, उसके बाद मैंने पूरा ढूंढा उसको, मेरे को कहीं भी नहीं मिला। क्यों रात को भी आया मैं यहाँ देखने, मेरे को नहीं दिखाई। किस चीज पर लटका मिला था आपको? मैं तो रात को नहीं था लटका हुआ यहाँ, ये मैं सुबह आया सारा इधर उधर स्टेशन पे घूम के, सारा इधर लड़कों से पूछ के। वो एक लड़का था, वो कहने लगा यहाँ मैं खेड़े पे मैं मत्था मुत्था टेक के, वो लड़का कहने लगा अंकल जी भी वो लड़के के साथ था रात को फलाने फलाने। दोस्त उसका साथ में ये इधर सोनी रहता है जी, यहाँ वाल्मीकि वो लड़का है। तो आपने पुलिस को शिकायत में बताया? हाँ बता दिया जी उनको मैंने, बता दिया। साथ लड़ाई झगड़ा भी था कोई? पहले था जी उसका, मतलब अब तो नहीं था। शादी हो रही थी? शादी तो छुटछा हो गया था जी। उनके साथ कोई झगड़ा विवाद? नहीं 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 कुछ नहीं, ना ना कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। तो जानकी पर लटका मिला? हाँ मैं जैसे सवेरे आया मैं वही, चल कई बार आग ना नशे की हालत में लेट जाता है इधर उधर, तो मैंने देखा उधर क्वार्टर में नहीं दिखा, फिर मैं इधर देखा हो, मैं गया तो ये तो मरा पड़ा है, तो लड़का भी जी। तो बस फिर और क्या है, आप ही ने पाल पोस कर बड़ा किया था, सोचा था सहारा बनेगा। हाँ जी। कितने वर्ष का था? 27 वर्ष का? 28 वर्ष का जी। क्या नाम है आपका? मेरा लीला कृष्ण। इस वक्त हम मौजूद हैं नीलोखेड़ी विधानसभा में, और नीलोखेड़ी विधानसभा की में कॉलोनी हीरदा कॉलोनी में मौजूद है। हीरदा कॉलोनी की बात करें, यहां पे हर्ष नाम के एक युवक ने बताया जा रहा है कि फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन परिवार का शक है कि किसी ने उसकी हत्या करके उसको लटकाया गया है। लेकिन पुलिस थाना प्रभारी से और DSP विजय कुमार से जब हमारी बात होती है तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश चली हुई है इस मामले में, लेकिन फिलहाल जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी युवक की, यानी 27 वर्षीय युवक हर्ष कुमार की, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। और परिवार का शक है कि एक जो दोस्त है मित्र जो उसको छोड़ जाता है उस पर शक जाहिर कर रखा है, लेकिन हाल ही में परिवार है और अपने पिता से कहता है कि 100 रुपये दे दो मुझे सिम लानी है, यानी मोबाइल की सिम लानी है, मेरा मोबाइल खो चुका है। इस विषय में परिवार क्या कुछ कहता है जान लेते हैं। क्या लगते हो आप युवक के? मैं बुआ हूँ जी उसकी। अच्छा, क्या सिम क्या कह रहे थे आप? उसका एक दिन पहले मोबाइल खो गया है, उसने कहा भी पापा मेरे को 100 रुपये दो, हिमाचल गया जी, वो जी। तो अपने दादा के साथ वापस आया है, उसने कहा भी मेरा ना पापा मोबाइल खो गया, 100 रुपये दो मुझे, मैंने उसकी ना सिम ब्लॉक भी करवानी है और अपनी सिम निकलवानी है भी, कोई मेरी सिम ना यूज़ कर ले, बस ये कह के घर से नहा धो के निकला है जी। उसके बाद 10:30 बजे तक तो कॉल करते रहे हम होती रही है बैल, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया 10:30-11 के बीच। उसके बाद ढूंढा भी है, बहुत ढूंढा है भाई ने, बहुत सबने फोन। किसी के साथ कोई झगड़ा विवाद था? हाँ एक दो लड़कों के साथ उसका पहले विवाद हुआ है जी। और दी गई शिकायत में नाम वगैरह भी लिखा? हाँ अभी भी बताया, जिस दिन वो लास्ट वाले दिन भी उन्हीं लड़के के साथ पाया गया था, क्या नाम था उसका? सोनी है। हाँ एक मजबियों के लड़के के साथ हुआ था उसका झगड़ा, बाकी उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं है, पर हमारे को इंसाफ चाहिए जी। हमारा तो लड़का सुसाइड कर नहीं सकता जी। और एक आधे बंदे के काबू आने वाला नहीं है क्या? इतनी 3 फुट की खिड़की से वो 6 फुट 4 इंच का लड़का वहाँ लटक सकता है? कोई अंधा भी देखे तब भी नहीं है क्या? पुलिस वाले उनको नहीं पता लगा? हमने कह रहे हैं सुसाइड किया जी, कैसे सुसाइड किया? वो क्या भगवान बने हुए हैं? कुछ उठाया नहीं कुछ नहीं, 112 डायल वाले कहता है ड्राइवर ये तो सुसाइड कैसा जी, उठाओ जी फूंक दो जी, क्या हमारा बंदा है? हैं ऐसे उठा के फेंक देंगे हम उनको? तो हमारी भावनाओं की भी नहीं कदर है क्या? पुलिस के दिल में वो नहीं होता भी हाँ हमारे किसी गरीब बंदे का बच्चा सी जवान चला गया, किसके माँ बाप से कैसे बात करें?
आपको बताना चाहूँगा, DSP विजय कुमार से मेरी बात हुई है कि इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश चली हुई है इस मामले में, लेकिन कहाँ तक ये तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन चलेगी फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाल ही में जिस माँ ने पाल पोष कर बड़ा किया, 9 महीने गर्भ में रखा और दो बहनों का इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया, क्या कुछ पूरा मामला था जान लेते हैं। क्या कुछ पूरा मामला था, किस से उनका विवाद था जी, किसी के साथ मामला? मेरे को नहीं पता, मेरा बच्चा घर से चला गया था, वो नहीं आया वापस, 6 बजे चला गया था। उसके बाद नहीं मेरे बच्चे को किसने मारा, हमने 10 बजे देखा दूसरे दिन सुबह, सारी रात ढूंढते रहे मेरे बच्चे को नहीं मिला। अकेला लड़का था, अकेला लड़का था मेरा। सोचा था बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सोचा था, कौन माँ बाप नहीं सोचता, पर मेरी बस्ती दुनिया उजाड़ दी रे, किसने उजाड़ी, मेरे को इंसाफ चाहिए, अगर मेरा बच्चा मार के किया किसी ने। नाम क्या है माता, जो दोस्त थे उसके मित्र थे? मेरे को नहीं पता, सारी कलोनी बार की दोस्ती थी उसकी, सारी कलोनी बार की। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी उससे? मेरी नहीं हुई थी कोई बात नहीं, 6 बजे आया था, 6 बजे के बाद घर से अपने पापा से बात हुई, 100 रुपया ले गया, मेरा फोन गुम हो गया, मैंने सिम निकालनी है, उसके बाद नहीं बोर्ड के घर आया। SP महोदय से क्या कुछ अपील करना चाहो? मेरी तो यही अपील है, अगर मेरे बच्चे को किसी ने मारा है तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को अपना बच्चे का इंसाफ चाहिए। माँ है, रो रही है, भड़क रही है, और ये बहन है, सोच रही थी रक्षाबंधन भैया दुख आएगा, मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी, लेकिन वो कलाई नहीं रही, वो भाई नहीं रहा। आप बहन हो? मैं उसकी बहन हूँ। छोटे हो उनसे? कितनी वर्ष का था भाई? तो क्या अपील करना चाहोगे SP महोदय से? मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए, जिसने भी मारा उसको मौत की सजा दी जाए। लड़ाई झगड़ा विवाद बताया? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। जो उसकी शादी हुई थी पहले, क्या उनके साथ कोई वाद विवाद था जिस प्रकार से? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उनके साथ कुछ लेन देन नहीं था? नहीं। बहन रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि अब भाई नहीं रहा, क्योंकि रक्षाबंधन सुने पड़ जाएंगे, भैया दूज सुना पड़ जाएगा। ये तस्वीरें हैं हिरदा कॉलोनी की नीलोखेड़ी से, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदर शर्मा के साथ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए C News भारत।